उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे देवभूमि की वादियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। वहीं राज्य भर में कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है। शीतलहर चलने से लोग सर्दी से बेहाल हैं। रुक रुक कर बारिश का दौर भी जारी है। चक्राता, मसूरी, धनोल्टी, नैनीताल, औली व चारधाम सहित राज्य के ऊंचे इलाकों की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटक भी पहुंचे हैं, लेकिन बर्फ के आगोश में आने वाले इन पर्यटन स्थलों में रहने वाले स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। यहां बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो रही। पिछले चार दिनों से लगातार हो रही बारिश से चमोली जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले के 100 से अधिक गांव बर्फ से ढक गए। वहीं बद्रीनाथ, धाम, हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ, लाल माटी आदि जगहों पर जमकर बर्फबारी हुई। गंगा घाटी से गंगोत्री धाम, बुखबा, हर्षिल, सुक्की टॉप, रैथल आदि जगह ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पड़ रही है। इसी के साथ पूरे उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटक तो खुश है लेकिन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है।